उत्तर प्रदेश की उन्नाव में जो घटना घटी है वो सभ्य समाज की कलंक है। ये सभ्य समाज की कलंक है जहां एक नाबालिग लड़की के ऊपर सामूहिक बलात्कार किया गए थे, उसके बाद सीबीआई की जांच हो रही है और जांच होते हुए भी ये पीड़ितों को बचाने का और बचने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। सर, जिस उत्तर प्रदेश को ये सरकार कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, वो उत्तम प्रदेश आज अधम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां सर एक नाबालिग सामूहिक बलात्कार, उनकी पिता की मौत, वो नाबालिग अपने न्याय की गुहार करते हुए चीफ मिनिस्टर की मकान के सामने आत्मदाह करने की चेष्टा करते हैं, उसके बाद उनकी चाची को मौत होती है, उनकी मसौरे को मौत होती है और सर एक ट्रक ने ये चश्मदीद गवाह थे वो चश्मदीद गवाह को नामो निशान मिटाने के लिए उनका ऊपर सर उबड़ी और सर दोनों की मौके पे मौत हो गई और साथ ही साथ वो पीड़िता गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, उनका वकील वो भी भर्ती हुए है। सर इसी हालत में ये लोगों की अगर ये महसूस ना हो कि ये शर्मसार घटना है तो हम सबको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। सर हमारा मांग है सर ये सीबीआई की जांच हो रही है और इसके लिए गृहमंत्री जी सदन में आए और गृहमंत्री आने के बाद ये बयान पेश करे, क्योंकि हिंदुस्तान के आम लोगों की ये पता चले कि हम कौन सा समाज में बात करते हैं जहां हमारे पीड़िता के ऊपर इस तरीके की दर्दनाक शर्मनाक घटना घट रही है। सर गृहमंत्री जी के गृहमंत्री सर